धर्मनगरी जहाँ महामाया महालक्ष्मी भारत की यह नगरी अध्यात्म नगरी धर्म नगरी जहाँ महामाया महालक्ष्मी देखा जाता है। हमारा ये चतुर्मास का अनुष्ठान विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है जो सनातन की मूल अवधारणा है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व वसुधा का जो स्वरूप है वह एक कुटुंब और एक परिवार का रूप है। इस नाते सभी की चिंता है और सभी की चिंता है, इसलिए हम प्रत्येक क्रिया में सबके कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया कि जो अवधारणा है और विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना है, ऐसी उद्घोषणा है, ये सनातन धर्म की ही है। और उसी भावना से भावित होकर के हमारा चतुर्मास का अनुष्ठान, जिसमें हमारी भावना यही है कि विश्व का कल्याण और विश्व का अभ्युदय हो। मुंबई नगरी में आए हैं, ये माया की नगरी है, ये माया की नगरी महामाया की नगरी हो जाए, क्योंकि महामाया यहाँ विराजमान है। माया से मुक्त होकर के महामाया श्री विद्या के रूप में जो विराजमान है, ब्रह्म विद्या के रूप में जो हैं, उन पर सभी की भावना प्रतिष्ठित हो जाए। और यही भावना से हमारा जगह जगह पर जाना और प्रत्येक जगह जाने का उद्देश्य यही रहता है कि सबको धर्म से जोड़ा जाए, धर्म से लोगों को युक्त किया जाए, धर्म से युक्त होकर के व्यक्ति की बुद्धि प्रकाशित हो, मन पवित्र हो, उचित यहाँ ले आए। दूसरी बात यदि कदाचित जब तक मुस्लिम भाई यहाँ से नहीं जाते हैं, तब तक ये निर्णय किया जाए, संविधान में एक व्यवस्था दी जाए कि भारत में जो भी निर्णय होगा वो भारतवंशी लोग करेंगे, हिंदुस्तानी लोग करेंगे, जो सनातनी है वो लोग करेंगे, जिनके लिए देश बना है उन वो लोग करेंगे। घर में कोई मेहमान आता है तो उसे हम अच्छा से अच्छा भोजन आहार व्यवस्था देते हैं, लेकिन घर का निर्णय और घर की तिजोरी नहीं देते हैं। घर का निर्णय और घर की तिजोरी घर वाला ही करता है। तो आप यहाँ आए हो, यहाँ रह रहे हो, ठीक है, रहो, खाओ पियो, हम तो कुत्तों को भी रोटी डालते हैं, कुत्ते की तरह तुमको भी दे देंगे दो रोटियाँ, पड़े रहो। लेकिन यहाँ पर निर्णय करने का अधिकार, जैसे वोटिंग का अधिकार, संवैधानिक पदों में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को होना चाहिए तो सिर्फ यहाँ पर भारत में जो पैदा हुए लोग हैं और भारत में जो धर्म पैदा हुए हैं उन्हीं को होना चाहिए, और उसके अतिरिक्त किसी और को नहीं होना चाहिए।